नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जिस भर्ती के बारे में लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उससे हम जुड़े कुछ यहाँ पे बड़े अपडेट जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे जो अपडेट आया है, ये है उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के टेक्नीशियन संवर्ग के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में कट ऑफ अंक धारित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत सूचना। तो यहाँ पे समूह गौ के जो अंतर्गत लैब टेक्नीशियन संवर्ग के 306 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु यहाँ पे 3 अगस्त 2024 द्वारा टेक्नीशियन संवर्ग के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन के रिक्त 104 पदों पर चयन हेतु यहाँ पे आयोजित जो लिखित परीक्षा करवाई गई थी, उसमें अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण तथा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु यहाँ पे कट ऑफ अंक सूची एक जारी की गई थी, वो मैंने आपको बताया था। और रिटर्न एग्जाम्स में कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ अंक या उससे अधिक अंक धारित अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा पत्र संख्या दिनांक इतने के माध्यम से जारी सूचना के क्रम में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिनांक 20 और 21 अगस्त 2024 को यहां पे आयोजित किए गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की जाँच के उपरांत विज्ञापन में उल्लिखित जो जो इसेंशियल या डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन जो है धारित नहीं करने तथा अभिलेख सत्यापन में अब्सेंट रहने तथा अन्य कारणों से जो है डिस्क्वालिफाई या एलिजिबल जो है नहीं पाए गए अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे जारी की जा रही है। निम्न अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दावित किए गए श्रेणी के संबंध में विज्ञापन में उल्लिखित नियमों के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित किए गए श्रेणी के संबंध में नियमानुसार जारी या वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें दावित श्रेणी का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं 3। इस पहला वाला रोल नंबर जो है 829 जिसके लास्ट में है, इसमें अभियुक्त क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 27 जनवरी 2022 थी तक जारी या वैध जो है ओबीसी कैटेगरी प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए जो है इसको जो है यहाँ पे इसका जो है जो अभ्यर्थन है वो यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, या उसे जो है जो कैटेगरी है उसका लाभ यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये एलिजिबल नहीं पाए गए हैं। दूसरा रोल नंबर यहाँ पे 511 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 27 जनवरी 2022 थी उसमें जारी जो ओबीसी कैटेगरी का प्रमाण पत्र इसने भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। तीसरा 131 रोल नंबर है जिसका, इसमें भी ये लिखा है कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 तक वर्ष 2021-22 हेतु जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि जो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इकोनॉमिकली वीक सर्विसेज जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत नहीं किया गया है, ये तो ये रह गया। उसके बाद निम्नलिखित अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड पैरामेडिकल अथवा उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, ये रोल नंबर दे रखा 828। ये अभ्यर्थी है, इसके पास में उत्तराखंड पैरामेडिकल या उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत होने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। तीसरा यहाँ पे जो है ये वाला जो रोल नंबर है 501, ये जो अभ्यर्थी है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन जो है अब्सेंट है। इसमें 5 अभ्यर्थी हैं, एक तो 501 रोल नंबर है, 58 है, 192 है, 151 और 902, ये सभी जो है अब्सेंट रहे हैं उस दिन जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था अभी 20 और 21 अगस्त को। उसके बाद चौथा यहाँ पे क्या है कि ये 2 रोल नंबर दे रहा है, इनका मेल के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अब्सेंट होने तथा अन्य तिथियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सम्मिलित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। बोर्ड द्वारा उक्त अभ्यर्थी के प्रतिवादन को स्वीकार किया गया है तथा इन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सम्मिलित किए जाने हेतु पृथक से। तो ये जो 2 रोल नंबर है, देखो भाई 107 है, 612, इन्होंने बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित तिथि है उन जो तिथियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अब्सेंट होने तथा अन्य तिथियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सम्मिलित किए जाने के लिए अनुरोध किया है और बोर्ड द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार भी कर लिया गया है तथा इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सम्मिलित किए जाने हैं, तो अलग से इनको सूचना यहाँ पर प्रसारित की जाएगी। बोर्ड द्वारा उपयुक्त बिंदु संख्या 1, 2, 3
एक दो तीन का मतलब जो आपने एक तो ये देखा है यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिनके पास में, दूसरा उत्तराखंड पैरामेडिकल या स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं, तीसरा जो अब्सेंट रहे हैं। तो एक दो तीन के अनुसार जारी सूचना के संबंध में यदि कोई अभ्यर्थी अपनी एलिजिबिलिटी या अभ्युक्ति या अब्सेंट के सापेक्ष कोई कथन लिखित रूप से देना चाहते हैं तो अपना प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप के साथ बोर्ड कार्यालय में ईमेल ukmssbexams@gmail.com पर अथवा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित प्रारूप के साथ सेल्फ अटेस्टेड साक्ष्य संलग्न कर दिनांक 29 अगस्त 2024 से 2 सितंबर 2024 सायं 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अंतिम अवसर है। उक्त के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। संलग्न प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप प्रशिष्ट को, ठीक है, प्रशिष्ट को तो यहाँ पे ये दे रखा है, प्रशिष्ट को दे रखा है इसने, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2021 प्लीज फिल क्लियरली विद ब्लू बॉल पेन से, ब्लू बॉल पेन से आपको ये फॉर्म फिल करना है। पोस्ट नेम यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, लैब टेक्नीशियन, पोस्ट कोड 101, डेट ऑफ वेरिफिकेशन आप डालेंगे जो आपने डेट थी आपकी वेरिफिकेशन की, यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम्स, कैंडिडेट फादर्स नेम या मदर जो भी हस्बैंड नेम, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क और रिप्रेजेंटेशन में आपको लिखना है, नंबर ऑफ अटैचमेंट, क्या क्या अटैचमेंट आप कर रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी। रिप्रेजेंटेशन के लिए है ये कि भाई देखो ये जो अभी मैंने आपको एक दो तीन चार पॉइंट ये बताए हैं जिनके की जो है ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं पाए गए हैं, दूसरा जो अब्सेंट थे, तीसरा जो क्या थे जिनके पास में स्टेट मेडिकल काउंसलिंग या पैरामेडिकल काउंसलिंग, उत्तराखंड मेडिकल पैरामेडिकल काउंसलिंग में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इन सभी को प्रत्यावेदन के लिए यहाँ पे आयोग ने एक और मौका दिया है, आप अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं और 29 अगस्त से 2 सितंबर तक आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी दे सकते हैं और आयोग के ऑफिस में जाके सेल्फ अटेस्टेड जो प्रूफ है आपके पास में उसको सेल्फ अटेस्टेड कर आप वहाँ पे भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे नोटिफिकेशन, इसका देख लेते हैं, ये भी इसी का ही था कि यही था कि आपका जो टेक्नीशियन संवर के अंतर्गत जो सूचना जारी की गई थी कट ऑफ की, और जो अब्सेंट अभ्यर्थी हैं या जिनको जो एलिजिबल नहीं पाए गए हैं, जिनको डिसक्वालीफाई किया गया है, उनकी लिस्ट जो है अभ्यर्थी इन्होंने वेबसाइट पे डाल दी है, और यदि इसमें लिखा है कि यदि अभ्यर्थी अपनी इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन देना चाहता है तो वे ukmssbexams@gmail.com पर अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के ऑफिस जाके सेल्फ अटेस्टेड जो प्रूफ है आपके उनको संलग्न कर दिनांक 29 अगस्त 2024 से 2 सितंबर 2024 तक सायं 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अंतिम अवसर है। इसके पश्चात किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बड़ी अपडेट है टेक्नीशियन संवर्ग की भर्ती को लेकर, जो उत्तराखंड टेक्नीशियन वर्ग की जो भर्ती हुई है उसको लेकर।